नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की कक्षा अध्यापिका। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आ की मात्रा से बने शब्द पढ़े थे एवं वाक्य भी पढ़े थे। आ की मात्रा मैं आपको दिखा दूं, इस प्रकार से हम लगाते हैं। एक खड़ी पाई की तरह दिखती है ये। हम इसे किसी भी अक्षर के साथ इस प्रकार से लगाते हैं। तो जब भी ये किसी अक्षर के साथ लगती है तो उस अक्षर में उस अक्षर की आवाज़ के साथ साथ इसकी भी आवाज़ सुनाई पड़ती है। जैसे क पर अगर हम आ की मात्रा लगाएं तो बनेगा का। ख पर आ की मात्रा लगाएं तो बनेगा खा। ग पर आ की मात्रा लगाएं तो बनेगा गा। ट पर आ की मात्रा लगाएं तो बनेगा टा। स पर आ की मात्रा लगे तो बनेगा सा। इस प्रकार से आ की मात्रा लगाई जाती है। आ की मात्रा मैं आपको फिर से दिखा दूं। इस एक खड़ी पाई होती है और हम उसे अक्षर के पीछे लगाते हैं, अक्षर के साथ में। अब हम आ की मात्रा के बाद दूसरी मात्राएं पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास कुछ चित्र हैं आ की मात्रा के। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे किन किन अक्षर पे आ की मात्रा लगी है। जैसे इस अक्षर पे आ की मात्रा अ के साथ लगी है तो उसका उच्चारण इस तरीके से बनेगा अ। अ पर आ की मात्रा आ, म, आम। यहाँ देखिए, यहाँ आ की मात्रा म के साथ लगी है तो म पर लगने पे उसकी आवाज़ मा, नव, नव, मानव, इस तरीके से आएगी। उसी के नीचे प पर लगी है, प पर आ की मात्रा पा, साथ में य, ल, यल, पायल। ठीक है बच्चों, इस तरफ अगर देखें ध के साथ आ की मात्रा धा, ग के साथ आ की मात्रा गा, धागा। तो हम इसी प्रकार से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन्हें बार बार उच्चारण करना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। शब्दों के साथ साथ मैंने आपको आ की मात्रा के लगाए वाक्य भी बताए थे। जैसे पहला लाइन, जो पहली लाइन है वो मैं पढ़ रही हूँ। म पे आ की मात्रा मा, त पे आ की मात्रा ता, माता, का, आदर कर, पूर्ण विराम। ब पर आ की मात्रा बा, त, बात, मान। नेक्स्ट लाइन, अपना, अपना, पाठ, याद कर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ की मात्रा के बाद आज हम सीखेंगे ई एवं बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द और वाक्य। उससे पहले बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में क्या अंतर होता है। बड़ी की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है, जो लाइन खींच के ऊपर से पूंछ निकलती है, यह है आपकी छोटी की मात्रा। और बड़ी की मात्रा भी इसी प्रकार होती है, पर यह अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। यह है आपकी बड़ी की मात्रा। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये वाली जो है ये आपकी छोटी ई की मात्रा है और ये वाली है वो आपकी बड़ी की मात्रा है। इसके लिए मैं आपको और अच्छे तरीके समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हैं,
सेम अक्षर मैं नीचे भी लिख रही हूँ, जैसे क स म। क स म। ठीक है, अब मैं आपको इन्हीं अक्षरों पे वर्णों पे बताऊंगी ई और बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है। अभी हम क की बात करें तो जो छोटी ई की मात्रा होगी वो क के पहले लगाई जाएगी और जो उसकी पूंछ होगी वो सीधे क की लाइन पे आके ख़त्म होगी। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो मात्रा होती है ई की और उसकी जो पूंछ जाती है या जो उसको ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हर अक्षर की खड़ी पाई पे ही जाके लगाना चाहिए। वो इस तरीके से ही नहीं कि अगर आपने यहाँ पे स लिखा है तो वो आप कहीं भी लगा देंगे, ये गलत है, इसे हम गलत बोलेंगे। अगर हम सही की बात करेंगे तो वो इस प्रकार से होगा, स सप ई की मात्रा जो जाएगी वो उसकी लाइन पे आके लगेगी। ठीक है, चलिए दोबारा से कलेक्ट करके दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ पे दोबारा क म और न लिए, मैंने नीचे भी सेम अक्षर लिखे हैं म और न। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें ई की मात्रा कैसे लगेगी। इस प्रकार से उस तरह म पे भी ई की मात्रा म की लाइन पे आएगी, उस तरह न पे भी ई की मात्रा। तो आपको ये है क पर ई की मात्रा की, म पर ई की मात्रा मी, न पर ई की मात्रा नी। मतलब छोटी ई और बड़ी ई में जो फर्क होता है वो उनके लगाने का भी होता है कि वो कहाँ पे किस प्रकार से लगाई जाती हैं, साथ ही साथ उनका उच्चारण भी, उनके उच्चारण में भी अंतर होता है। छोटी क जो छोटी ई होती है उसकी आवाज़ थोड़ी कम होती है और बड़ी ई की आवाज़ लंबी होती है, ज़्यादा लंबी होती है। ये आपकी बड़ी की मात्रा की, म परी की मात्रा मी, न परी की मात्रा नी। ओके ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि उनके लगाने में भी अंतर होता है प्लस उनके बोलने में भी अंतर पाया जाता है। क की छोटी ई की आवाज़ छोटी होती है और बड़ी ई की आवाज़ बड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा से बने शब्द। यहाँ मेरे पास काफ़ी सारे शब्द लिखे हुए हैं जिनमें हमने छोटी ई की मात्रा ही लगा रखी है और साथ ही साथ आ की मात्रा भी लगाई हुई है जो आप पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले छोटे शब्दों से। पहले हम ये वाला है, पहली लाइन पढ़ेंगे हम स, स पर ई की मात्रा सी, र सिर। नेक्स्ट द, द पर ई की मात्रा न दिन, ब, ब पर ई की मात्रा बी ल बिल, ग, ग पर ई की मात्रा गी न गिन, द, द पर ई की मात्रा डी ल दिल, क, क पर ई की मात्रा की धर की धर, ट, ट पर ई की मात्रा टी कट टिकट,
क, क पर ई की मात्रा, की सा न किसान, व, व पर ई की मात्रा वी, म पर आ की मात्रा मा, न वी मा न विमान, वी ज्ञान विज्ञान, क, क पर ई की मात्रा की ताब किताब, ह, ह पर ई की मात्रा ही रन हिरन। नेक्स्ट लाइन च, च पर ई की मात्रा ची, र, र पर ई की मात्रा री, या चिड़िया, क, क पर ई की मात्रा की श, म पर ई की मात्रा मी श, किश मिश, सा साई, क पर ई की मात्रा की ल साइकिल, झ, झ पर ई की मात्रा झी ल झिल, म, म पर ई की मात्रा मी ल मिल झिल मिल, स, स पर ई की मात्रा सी तार सितार, ग, ग पर ई की मात्रा गी तार गिटार। ठीक है बच्चों, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे ने, फिर दिन बिल गिन दिल किधर टिकट किसान विमान विज्ञान किताब हिरन चिड़िया किश मिश साइकिल झिल मिल सितार गिटार। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे, सिर दिन बिल गिन दिल किधर टिकट किसान विमान विज्ञान किताब हिरन चिड़िया किशमिश साइकिल झिलमिल सितार गिटार। ठीक है, अब इसके आगे है ई की मात्रा से बने वाक्य। यहाँ आप देख सकते हैं ई की मात्रा यहाँ कई अक्षरों पर लगी हुई है, जैसे कि वी की नी नी की ली नी वी डी नी शी टी ही री झी री बी टी री खी ची की डी, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए इनको भी दोबारा पढ़ते हैं। रवि, पहली लाइन पढ़ेंगे, रवि किरण किधर निकल गई। दोबारा, रवि किरण किधर निकल गई। अनिल किताब पढ़। सलील आज शनिवार है। अब रविवार का दिन निकट आ गया। शशि टिकट हिसाब लगा कर ला। दिन भर रिम झिम बारिश हुई। बबीता बीटिया बढ़िया
सा हलवा बना कर खिला। माचिस की डिबिया इधर ला। दोबारा पढ़ेंगे। रवि किरण किधर निकल गई। अनिल किताब पढ़। सलील आज शनिवार है। अब रविवार का दिन निकट आ गया। शशि टिकट हिसाब लगा कर ला। दिन भर रिम झिम बारिश हुई। बबीता बीटिया बढ़िया सा हलवा बना कर खिला। माचिस की डिबिया इधर ला। ठीक है, आपको इसी प्रकार से पढ़ना और लिखना है इस मात्रा को। अभी हमने छोटी की मात्रा पढ़ी जो कि अक्षर के पहले लगाई जाती है और उसके ऊपर से उसकी आप कह सकते हैं पूछ भी लगाई जाती है जो कि अक्षर के खड़ी पाए पर रुकती है, जो सीधी लाइन होती है उस पर। अब हम पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा से बने शब्द। जैसे कि मैंने आपको बताया था बड़ी की मात्रा अक्षर के पीछे से लगाई जाती है। जैसे कि ये आपके सामने यहाँ बहुत सारी ई मात्राएं हैं, जैसे ये ख पर, ज पर, ल पर, न पर, ब, ग पर, ख पर, म पर, दी, मी, फी, री। चलिए पढ़ते हैं इसको फिर से। ख पर ई की मात्रा र, खीर। ज पर ई की मात्रा जी भ, जीभ। क ल पर ई की मात्रा कली। न, न पर ई की मात्रा म, नीम। ब, ब पर ई की मात्रा ज, बीज। ग, ग पर ई की मात्रा त, गीत। ख, ख पर ई की मात्रा खी, खी रा। म, म पर ई की मात्रा मी रा। स, र, सर। द पर ई की मात्रा सर्दी। ग, र, गर। म पर ई की मात्रा गर्मी। ब, र, बर। फ पर ई की मात्रा बर्फी। ब, क, बक। र पर ई की मात्रा बकरी। त, त पर छोटी की मात्रा ती। त, ल पर बड़ी की मात्रा ली। ती, तली। ती, तली। तितली। ध, र, त पर ई की मात्रा धरती। ज, म, म पर ई की मात्रा न, जमीन। क, म, म पर ई की मात्रा ज, कमीज। क, ह, ह पर आ की मात्रा हा। न पर ई की मात्रा नी। क, हा, नी। व, व पर आ की मात्रा वा। अण, अण पर ई की मात्रा णी, वाणी। म, छ, मच, ली। गी, ल, हरी, गिलहरी। म, त, मत, लबी, मतलबी। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहली लाइन से शुरू करते हैं। खीर, जीब, कली, नीम। बीज, गीत, खीरा, मीरा। सर्दी, गर्मी, बर्फी,
बकरी, तितली, धरती, जमीन, कमीज, कहानी, वाणी, मछली, गिलहरी, मतलबी। अब इसके बाद इससे बने वाक्य भी हैं, बड़ी की मात्रा से बने वाक्य। चलिए शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। श परी की मात्रा शीला, शीला आई। पूर्णविराम ली ची लाई। नेक्स्ट लाइन मी ना आ, खीर बना। पानी पी, छतरी रख। कमीज पहन, सीधा चल। कली खिली, मछली उछली। नमकीन खा, अमीर बन। सीमा की बड़ी बहन का नाम शीला था। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ेंगे। शीला आई, लीची लाई। मीना आ, खीर बना। पानी पी, छतरी रख। कमीज पहन, सीधा चल। कली खिली, मछली उछली। नमकीन खा, अमीर बन। सीमा की बड़ी बहन का नाम शीला था। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको छोटी ई और बड़ी ई से बने शब्द और वाक्य पढ़ाए। आप इन्हें घर पे लिखिएगा, मात्राओं का उच्चारण करना सीखिएगा और इन्हें हर अक्षर पे लगा के भी जरूर देखिएगा। उसके लिए आप क से य तक पहले सारी वर्णमाला लिख लीजिएगा, फिर बारी बारी से उन पे छोटी ई और बड़ी ई का मात्रा का प्रयोग करिएगा और साथ में उनको बोलना भी सीखिएगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मात्राओं के साथ मिलेंगे, जो कि ऊ और छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।